आपको पता है कि केंद्र सरकार के पास जो बजट होता है यानी फंड्स होते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को तो 18% पैसा देती है, लेकिन कर्नाटक जैसे दक्षिण राज्यों को सिर्फ 3% पैसा मिलता है। और फिर दक्षिण के राज्य ये आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार हमारे साथ पार्शियलिटी करती है यानी भेदभाव करती है। 3 मिनट में समझिए इसकी सच्चाई क्या है। तो देखिए, केंद्र को अगर 100 रुपए दिया जाता है राज्य के द्वारा टैक्स के हिसाब से, तो उनको राज्यों को बदले में क्या मिलता है? तो अगर बिहार ने 100 रुपया टैक्स कलेक्ट करके दिया है तो उनको 706 रुपया मिलता है। यूपी वालों को मिलता है 273, असम में 263, मध्य प्रदेश में 242, झारखंड 215, छत्तीसगढ़ 196, हिमाचल 146, उड़ीसा 135, राजस्थान 133, बंगाल फिर देखिए कम हो गया कि अगर उन लोगों ने 100 रुपए का टैक्स कलेक्ट करके दिया तो बंगाल को 87, पंजाब को 69, केरल को 57, आंध्र प्रदेश को और कम 49, तेलंगाना को 43, तमिलनाडु को और कम 29, गुजरात को 28, हरियाणा 18, कर्नाटक 15 और महाराष्ट्र को मात्र 8 रुपए। तो आखिर ऐसा होता क्या है? तो देखिए, केंद्र सरकार अपने हिसाब से पैसा नहीं बांट सकती है, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा 5 साल के लिए एक वित्त आयोग बनाया जाता है और फिर वो एक फॉर्मूला डिसाइड करते हैं कि किस हिसाब से हर राज्य को पैसा मिलना चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया है कि हर राज्य में लोगों की आय में कितना अंतर है, तो 45% वो देखा जाता है। डेमोग्राफिक प्रदर्शन देखा जाता है 12.5%। जंगल और इकोलॉजी कितनी है राज्य के पास, 10% वो देखा जाता है। क्षेत्रफल कितना है, 15% वो देखा जाता है। जनसंख्या 15% देखी जाती है। टैक्स और राजकोषीय कोशिशें कितनी है वो देखा जाता है 2.5%। तो इन सब क्राइटेरिया के हिसाब से जो वो टीम है वित्त आयोग वाली, वो डिसाइड करती है कि कितना पैसा राज्यों को दिया जाएगा। केंद्र सरकार अपने हिसाब से नहीं कर सकता है, आर्टिकल 280 में भी ये बात लिखी हुई है। अब आगे बढ़िए, दक्षिण राज्य क्यों रहते हैं नाराज? अब दक्षिण राज्य ज्यादा उन्नत होते हैं, उनकी जनसंख्या कम होती है, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती है, ज्यादा टैक्स कलेक्ट वो लोग करते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर अमीर प्रांत है तो उनको कम पैसा मिलेगा केंद्र की तरफ से, और जो गरीब प्रांत है तो उनको सहायता के हिसाब से ज्यादा पैसा दिया जाता है। फिर लेकिन दक्षिण राज्य ये कहते हैं कि हम अगर अपनी जनसंख्या भी कंट्रोल करें, हम ज्यादा टैक्स भी दें, हम ज्यादा उन्नत भी हैं, ज्यादा मेहनत भी करें, फिर भी हमको कम पैसा मिले और दूसरे राज्यों को ज्यादा पैसा मिले। और ये देख लीजिए किस राज्य को कितना परसेंट पैसा मिलता है। यूपी को 18%, बिहार को 10%, मध्य प्रदेश बंगाल को 8%, महाराष्ट्र राजस्थान जैसे राज्यों को 6%, उड़ीसा तमिलनाडु आंध्र को 4%, कर्नाटक गुजरात छत्तीसगढ़ झारखंड असम को 3%, तेलंगाना केरल अरुणाचल पंजाब उत्तराखंड हरियाणा को 1-2% के बीच में, हिमाचल मेघालय मणिपुर त्रिपुरा नागालैंड मिजोरम सिक्किम गोवा को मात्र 1% से भी कम केंद्र सरकार बजट देती है। और देखिए कि इसमें ये फॉर्मूला है कि जितना भी पैसा होता है केंद्र के पास, केंद्र वर्सेस राज्य, वो कैसे डिवाइड होता है। केंद्र तो रखता है 59% और राज्य रखता है 41%। और ये लोग राज्य सारी मांग उठाते हैं कि ये जो आंकड़ा है वो 50-50% होना चाहिए, मतलब केंद्र अपने पास 50% पैसा रखे और राज्यों को 50% बांट दे। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि केंद्र अपने पास 59% रखती है और राज्यों को 41% देती है। इसी मुद्दे पर आपको याद होगा कि कर्नाटक सरकार 7 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी इसी मुद्दे पर कि भैया दक्षिण को कम पैसा क्यों देते हैं, और केंद्र सरकार के खिलाफ कि हमारा पैसा हमें वापस दो, जितना टैक्स कलेक्शन हमने किया है हमको उस हिसाब से दो। लेकिन आज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये बंटवारा होता है। तो ये आंकड़ा आप उन लोगों को भी बताइए जिनको नहीं पता है इस बारे में। मैं हूं रिमझिम जेठानी, News 24 देखते रहिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।